हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि हमें ट्विंस प्रेगनेंसी में घर के कौन कौन से काम करने चाहिए और हमें कौन से महीने में किस तरीके से करना चाहिए और कौन से महीने में हमें कौन से काम अवॉइड करने चाहिए। और क्योंकि होता क्या है कि जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बस हमसे घर वाले बाहर वाले ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि तुमको झाड़ू ऐसे लगानी है, तुमको पोछा ऐसे लगाना है, तुमको बर्तन ऐसे धोने हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, तुमको ये करना है, बहुत सारा कंफ्यूज कर देते हैं बोल बोल के। क्योंकि जितने लोग होते हैं उतनी ज्यादा बातें करते हैं, तो हम इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ ही में नहीं आता कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। और जब हम स्पेशली पहली बार मां बन रहे होते हैं और वो भी हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, तो हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और वीडियो पूरा देखें, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, आपके मन में जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है वो सारी दूर हो जाएगी। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि होता क्या है कि जब हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो उस समय जब हमारे स्टार्टिंग की जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब 1 से 3 महीने होते हैं, तो हमें उनमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि उस समय ना ही हमारा पेट वगैरह कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर आपकी जो ट्विंस प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, आपने डॉक्टर को दिखाया और आपको डॉक्टर ने किसी भी प्रकार का बेड रेस्ट नहीं बोला है और आपसे डॉक्टर ने ये बोला है कि आप आराम से कोई भी काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी जो ट्विंस प्रेगनेंसी अगर नेचुरली तरीके से कंसीव हुई है, मतलब कोई भी दवा वगैरह से कंसीव नहीं हुई है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी बीमारी नहीं है, डॉक्टर को दिखाने के बाद में उन्होंने भी आपको कंफर्म कर दिया कि आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपका बच्चा भी नॉर्मल है, तो आप 1 से 3 महीने तक बिल्कुल घर के काम कर सकती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं बोला है तो आप बिल्कुल बिंदास रहे, आप पहले 1 से 3 महीने में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जैसे चाहे वैसे धो सकती है। शुरुआत के 3 महीने में जब आप काम करें तो आपको बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, खासकर घर का काम करते हुए। जैसे अगर आप कपड़े धो रही हैं तो आपको जो है भारी कपड़े या बाल्टी भर के पानी वगैरह कुछ भी नहीं उठाना है, आपको एक साथ सारे कपड़े नहीं उठाने हैं, आपको जो है भारी वजन बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ना ही पानी की बाल्टी आप उठाएं। और आप कपड़े भी धोएं तो आप हैवी कपड़ों को अवॉइड करें, आप भारी कपड़े उठा उठा के बिल्कुल भी ना धोएं। आप स्टार्टिंग के मंथ में एक काम और करें कि आप जो भी काम करें बहुत स्पीड में ना करें, आप आराम से करें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि आप स्टार्टिंग के मंथ में अपने पेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना दें। स्टार्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होती है पेट को लेके, तो आप ऐसा ना करें कि आप कोई भी काम करिए तो आप घंटों बैठी है वहां पे, काफी देर तक आपको बैठ के कोई भी काम नहीं करना है, आप जो है आराम से थोड़ा थोड़ा काम करिए। आप ऐसा ना करें कि आप 2 से 3 घंटे तक बैठी बैठी है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर ना दे पेट पे, बस आपको ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। बाकी आप बिल्कुल नॉर्मल है तो आप कोई भी काम किसी भी तरीके से कर सकती है, इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम बात करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो चौथा महीना होता है वो आराम से निकल जाता है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है ट्विंस प्रेगनेंसी में। लेकिन जैसे ही हमारा पांचवा महीना स्टार्ट होता है, होता क्या है कि पेट ट्विंस प्रेगनेंसी में जो पेट होता है बड़ा होता है, मतलब सिंगल प्रेगनेंसी के अपेक्षा काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो पांचवें महीने से ही काफी ज्यादा बड़ा लगने लगता है। तो पांचवें महीने से क्या होता है कि आप एक चीज नोटिस करेंगी कि आपके निचले हिस्से में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा पेट के, और आपको जो है घुटने में भी दर्द रहने लगेगा, आपके पैरों में भी दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी कमर में भी दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो है पांचवें महीने से हो सकता है आप उखरू बैठ भी ना पाए, हो सकता है आप चौकी पे भी ना बैठ पाए, हो सकता है आपको कुर्सी पे भी बैठने में दिक्कत हो और आप जमीन पे भी जो है अच्छे से ना बैठ पाए। तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है ट्विंस प्रेगनेंसी में। तो आपको ये ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आपका पांचवा महीना लगे, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप पांचवें महीने में बिल्कुल भी कोई भी ऐसा काम ना करें घर का जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। आपको कोई कितना भी बोले, जैसे मान लीजिए उखरू बैठ के पोछा लगाना, अगर आप कंफर्टेबल है तभी आप उखरू बैठ के पोछा लगाए, अगर आपका पेट दब रहा आपको दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए, तो आप उसको तुरंत अवॉइड करें। अगर आप जो है पोछा बैठ के नहीं लगा पा रही तो बिल्कुल ना लगाएं, आप खड़े होकर लगा लीजिए, ऑनलाइन काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं आप उनको आराम से यूज करिए, आप खड़े होकर पोछा लगाइए। और अगर आप झाड़ू जो है बैठ के नहीं लगा पा रही तो आप बिल्कुल खड़े होकर झाड़ू लगाइए। आपको घर का काम करते हुए बस एक ही बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि जिस भी काम को करने में आप अनकंफर्टेबल फील करें तो आप उसको तुरंत अवॉइड करें, ठीक है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, मान लीजिए आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में अपना चेकअप वगैरह कराया और डॉक्टर ने आपकी अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी निकलती या फिर कोई प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर ने आपको किसी कारणवश बेड रेस्ट बोला है, तो आपको जरूर बेड रेस्ट करना चाहिए, आपको डॉक्टर की बात बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में वैसे भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रहते हैं और पता ही नहीं रहता कि कब कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो आपको डॉक्टर की बात जरूर माननी चाहिए। और अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर में भी बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और डॉक्टर ने भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं बताई है,
तो आप बिल्कुल आराम से काम करिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि हमारा पेट सातवें आठवें नौवें में बहुत ही ज्यादा निकल आता है और हमको जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। हम उस समय जो है कमर को पकड़ के चलना पड़ता है, इतना ज्यादा पेन होता है घुटनों पैरों और ज्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय हमको जो है खड़े होके भी झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल हो जाती है। बस आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ये बात ध्यान रखनी है कि आप जिस काम को करने में कंफर्टेबल नहीं, आप बिल्कुल भी वो काम ना करें, और जिसको आप करने में कंफर्टेबल है उसको आप जरूर करें। एक बात और ध्यान रखें कि पांचवें महीने से आपको जो है कोई भी काम बहुत ज्यादा देर तक खड़े होके नहीं करना है। हमारा जो पेट बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ता है, जिस वजह से हमारी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, घुटनों में भी दर्द रहता है, पैरों में भी दर्द रहता है। तो अगर आप इस टाइम पे खड़े होकर काम करती हैं ज्यादातर, तो आपको और ज्यादा दर्द रहेगा। जब आप काम करेंगी तब तो आपको इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही आप आराम करने जाएंगी तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। तो आप पांचवें महीने से अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा खड़े होकर काम करना, और ज्यादा देर तक बैठ के भी काम ना करें। आप थोड़ी थोड़ी देर बैठ के काम करें, क्योंकि होता क्या है जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमको बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। हम जरा सी झाड़ू ही लगा लेते हैं उतने में ही थक जाते हैं। तो आप कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप ये सब नॉर्मल है। तो आप आराम से थोड़ा काम करिए, उसके बाद में फिर आप थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद में काम कर लीजिए। आपको लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपना ध्यान रखना है कि आप किस चीज में कंफर्टेबल है। और कोई भी काम करते समय आपको इस बात का स्पेशली ध्यान देना है कि आपके पेट में किसी भी प्रकार का दबाव और किसी भी प्रकार का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। बाकी आप जो चाहे जैसे चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। और बस एक बात का और ध्यान रखिए, कोई भी काम करें आराम से करें किसी भी तरीके का, और बहुत जल्दबाजी से ना करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या ये सही बात है कि घर के काम करने से या फिर पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रहने से हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ठीक है, मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, उसमें भी मैं पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रही थी। और अगर हम सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करें तो ये मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, इसमें भी मैं पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रही थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा करती थी, पूरा काम, बल्कि लास्ट मंथ तक मैंने काम किया था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सी सेक्शन हुआ था। क्योंकि होता क्या है, देखिए ये जरूरी नहीं होता कि हमने अगर पूरी प्रेगनेंसी जो है झाड़ू पोछा या पूरा घर का काम करते रहे, टहलते रहे, एक्टिव रहे, तो इससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कई कंडीशन होती है। कभी कभी ऐसा होता है ट्विंस प्रेगनेंसी में, मान लीजिए आपका बिल्कुल पूरे 9 महीने बिल्कुल सब कुछ सही रहा, आप एक्टिव रहे, आप टहलते रहे, कोई भी दिक्कत नहीं रही, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि आपके बच्चे ने पोजिशन चेंज कर दी। होता क्या है कि मान लीजिए जैसे ही हमारा डिलीवरी का टाइम आता है, अगर हमारा बच्चा जो है उल्टा हो जाता है, या फिर हमारे दोनों बच्चे उल्टे हो जाते हैं, या फिर बच्चे तिरछे हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में हमारी जो है ट्विंस प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल संभव नहीं हो पाती है, और डॉक्टर हमको बिल्कुल मना कर देते। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया था तो हमारे बच्चे जो है बिल्कुल उल्टे हो गए थे दोनों, और दोनों ही तिरछे हो गए थे, जिस वजह से डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ा था। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप ये गलतफहमी बिल्कुल भी ना पालें कि आप पूरे टाइम झाड़ू पोछा या बर्तन करती रहेंगी, अपने आप को तकलीफ देके करती रहेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, लास्ट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लास्ट में कई कंडीशनें ऐसी होती है, वो अगर नॉर्मल होती है तभी आपकी डिलीवरी संभव है। लास्ट में जो है आपके बच्चे की पोजीशन कैसी, आपकी कंडीशन कैसी है, आपका बीपी हाई तो नहीं है। प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोच के बिल्कुल भी ना चले कि लोगों ने कह दिया कि ऐसा करो वैसा करो नॉर्मल डिलीवरी होगी। लास्ट में कई कंडीशनें ऐसी आ जाती है जिस वजह से डॉक्टर को इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी प्रेगनेंसी आराम से रहें, एंजॉय करें, हैप्पी रहें। आप जितना आपसे हो सके आप उतना करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।